तो चलिए फायदे की बात हो रही है तो क्यों ना एमपीएल फैंटेसी टीम की बात कर लें और राजकुमार सर के साथ फटाफट टीम बना लेते हैं, क्योंकि आज डबल हेडर है और आज का जो दूसरा मुकाबला है वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत अहम है। वो मैच जीतेंगे तो सीधे टॉप फोर में पहुंच जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे, और हारेंगे तो मुंबई के लिए चांस बन सकता है। लेकिन राजकुमार जी, अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें और उनका मुकाबला राजस्थान से, कैसे आप देख रहे हैं आज के इस मुकाबले को? कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आपकी फैंटेसी टीम में होंगे? शुरुआत विकेट कीपर और बल्लेबाजों से कर लेते हैं। राजीव, सबसे पहले मैं विकेट कीपर तो यहाँ पे संजू सैमसन को ही रखना चाहूंगा, और बल्लेबाज मेरे होंगे यान लुइस, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। ये सभी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, अच्छी फॉर्म में है, तो इनको टीम में रख के ये काफी बैलेंस्ड बैटिंग ऑर्डर लग रहा है। मॉर्गन को नहीं रख रहे हैं राजकुमार जी, क्या रीजन है? रन नहीं बन रहे हैं, मतलब कोलकाता भी हो सकता है ड्रॉप ना कर दे कहीं कप्तान को इस इम्पोर्टेंट मुकाबले से पहले। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल राजीव, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रन नहीं बना रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। जो एक शानदार खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो इस फॉर्मेट के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं बना रहे हैं, इसीलिए आज वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, चलिए अब ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का मैच शारजा में है तो कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट राजकुमार जी चुनेंगे, तो आप भी बड़ा ध्यान से सुने कोच की सोच और उसके साथ आप एमपीएल का जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और फटाफट आप टीम बनाएं राजकुमार सर के साथ। राजकुमार सर, कौन से ऑलराउंडर और गेंदबाज होंगे आपकी टीम में? राजीव, ऑलराउंडर्स में वेंकटेश्वर अय्यर और शिवम दुबे को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छी फॉर्म में है दोनों ही खिलाड़ी। साथ साथ गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकरिया और टीम साउदी होंगे मेरे कॉम्बिनेशन में। चलिए कप्तान भी फटाफट चुन लें राजकुमार जी, कप्तान और वाइस कैप्टन कौन होंगे आज? राजीव, मेरे ख्याल से राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन से मुझे काफी आशाएं हैं कि वो अगर रन बनाएंगे तो सभी फैंस को बहुत फायदा होगा, और साथ साथ एक ऑलराउंडर मैं हमेशा रखता हूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन, तो वेंकटेश्वर अय्यर मेरे वाइस कैप्टन होंगे। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम व्यूवर्स जो हमारे हैं वो इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पे आए, हमारे यूट्यूब चैनल है, 5 बजे हम वहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज़ लेकर रोज़ आते हैं, और आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है पाकिस्तान में उल्टी गिनती शुरू, और पाकिस्तान किस तरह से वहाँ पर रिएक्ट करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पहला मुकाबला जो हिंदुस्तान का है वो पाकिस्तान के साथ है, और दुनिया भर की निगाहें 24 अक्टूबर पर लगी है जहां पर ये दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होंगी। तो 5 बजे इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर जुड़ें आप यूट्यूब चैनल पर हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।